नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अली ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए राशिद अली ने कहा कि लोग अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी के लिए अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यूपीए के समय में तेल महंगा होता था तो बीजेपी के कार्यकर्ता अराजकता पर उतर आते थे और अब वो खुद पेट्रोल और डीजल के दामों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि राशिद अली ने मोदी के 30 दिन के कार्यकाल पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम में 1.69 रुपये की वृद्धि की है, वहीं डीजल के दामों में 50 पैसे की वृद्धि की गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, रेल के किराए बढ़ गए, कैसे अच्छे दिन होंगे देश के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिनों की क्या परिभाषा है देश के लोग नहीं समझ पा रहे। हुकूमत पर कमेंट करने से पहले 100 दिन का वक्त देना चाहिए, 30 दिन में ही। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 1 महीने का वक्त कम वक्त है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर कितने कदम ऐसे उठाए हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होते ही विपक्ष ने बीजेपी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। दाम बढ़ने के एक दिन बाद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए रेल और पेट्रोल के बढ़े दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक बंद करने की वजह से एक मालगाड़ी और वरुणा एक्सप्रेस भी बाधित हो गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें जल्द ही नहीं मांगी गईं तो इस विरोध को और बढ़ा देंगे। इलाहाबाद समाजवादी पार्टी के सदस्य एवं लखनऊ समाजवादी पार्टी के सदस्य मिल करके केंद्र सरकार के विरोध में जो पेट्रोल पदार्थों की के मूल्यों में वृद्धि लगातार की जा रही है। अभी रेलवे का किराया बढ़ा गया था तो केंद्र सरकार जो ये वादा करके जनता से वोट मांगा था, कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े घराने हैं उनको फायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। गरीबों और किसानों के साथ शोषण हो रहा है। मंगलवार को दिए गए अपने विवादित बयान में फंसे टीएमसी के सांसद और टॉलीवुड के अभिनेता तापस पॉल पर निंदा जताते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी बयान समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि मंगलवार को पॉल ने कथित तौर पर कहा था कि तृणमूल कार्यकर्ता में से किसी एक पर भी सीपीआई वालों ने हमला किया तो उनके साथ मारपीट होगी और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे संगीन घटना भी घटित हो सकती है। वो निंदा ही नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरीके की जो एक राजनीतिक संस्कृति जो पैदा किए हुए हैं बंगाल के अंदर पिछले 3 साल में वहाँ की शासक पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस, उसी का ये एक प्रतीक है, एक नतीजा है। और एक महिला मुख्यमंत्री है वहाँ, और इस तरीके की बातें महिलाओं के बारे में कहा जा रहे हैं ऑलरेडी 3 साल के अंदर। अब ये मतलब अफसोस की बात है कि कलकत्ता जैसे शहर का उसकी रेपुटेशन जो है अब देश के रेप कैपिटल के रूप में उतरा, तो उस तरीके से हम जरूर इसके अंदर कदम उठाएंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सीपीएम और तृणमूल के बीच में नहीं है, ये सवाल है देश की राजनीतिक संस्कृति के बारे में। महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने टीएमसी सांसद तापस के बलात्कार को लेकर दिए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि तापस को जेल भेजना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं और ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। ममता ने ये भी कहा कि हमने कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री महिला होने के नाते भी महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कई बार हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस कभी आता नहीं है, वो रिस्पॉन्ड करती नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में मैं ये कहना चाहती हूँ और कहूंगी कि कहीं ना कहीं वो महिलाओं के मामले में असंवेदनशील हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि ये सेकेंड टाइम एमपी हैं और तृणमूल कांग्रेस के कई एमपीज ने पहले भी बयान गलत दिए हैं। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने टीएमसी नेता तापस पॉल के दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा करते हुए कहा कि
इससे ऐसा व्यक्तित्व टीएमसी के नेताओं के मानसिक संतुलन को जाहिर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी जनता की भलाई के लिए कुछ भी करना चाहती हैं तो तापस को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। कीर्ति आजाद ने साथ ही एक महीने में सरकार के उठाए गए कदमों पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा लिए जा रहे सभी कदम जनहित के लिए हैं। हम लोग गए थे वहां पर, हमारे एक अखिलियत के कार्यकर्ता थे, उनका मर्डर कर दिया था टीएमसी के लोगों ने। तो इनकी मानसिकता जो पहले इनके वामपंथी थे उनसे जैसी मिलती हुई है। ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, जंगल राज लेकर आ रहे हैं। अच्छा कोई काम करना चाहती है तो तुरंत इनको निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी नेता तापस पॉल के विवादित बयान पर एक दिन बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बयान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्यों में दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तापस को अहंकार छोड़ना होगा वरना टीएमसी नेताओं की अराजकतावाद यूं ही जारी रहेगी। जो तृणमूल कांग्रेस है वो बहुत उम्मीदों के साथ वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसको चुना था, लेकिन अब ये तृणमूल कांग्रेस जो है वो तूतू मैमै कांग्रेस बन गई है। हर दिन जो है वहां पर हिंसा, हर दिन जो है अराजकता, और कहीं ना कहीं जो माओवादियों का एक पहला चेहरा था वो माओवादियों का इस वक्त चेहरा बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। जितने माओवादी हैं, जितने नक्सलवादी हैं, जितने वामपंथी जो बिगड़े हुए वामपंथी थे वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। ममता बनर्जी साहिबा को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अपना घमंड अहंकार छोड़ करके ऐसी अराजकता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त का वादा कर चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर देश को जवाब देना होगा, ये कहना है आप नेता और नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख मेघा पाटेकर का। मेघा ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में शिवराज सिंह को अक्षम बताया है। साथ ही मेघा ने व्यापम घोटाले के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है। मेघा पाटेकर ने कहा कि आप व्यापम घोटाले के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। एक भी घोटाला उजागर करने की और जो दोषी होंगे उनको दोषी करार करके सजा दिलाने की नियत शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं दिखाई है, न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। पर इसमें कौन कौन है, कितने राज्य के मंत्री और कितने आज बने हुए केंद्र के मंत्री भी, इसके अभी भी जांच नहीं हुई है। मुझे लगता है कि समाज का और माध्यमकर्ताओं का दबाव ही केवल इस घोटाले को उजागर करने में कामयाब होगा, क्योंकि आज की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकी मिली भगत होने वाली है। रांची के सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि चाईबासा कोषागार मामले में पहले ही दोषी करार हो चुके हैं, इस कारण देवघर कोषागार मामले में को निरस्त किया जाए, क्योंकि जो सबूत दस्तावेज और आरोप तब मामले में थे वो सभी देवघर कोषागार घोटाले से मिलते हैं। इसी बात को सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव की याचिका को कोर्ट में खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि देवघर कोषागार मामले में 14 जुलाई को लालू प्रसाद यादव को बयान कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। ये लालू जी के तरफ से हम लोग दिसंबर माह में 2013 का 300 CRPC और आर्टिकल 20 सब क्लास 2 के तहत एप्लीकेशन फाइल किए थे, जिसमें कि RC 20A 96 में उनको सजा हो गई थी। जी लालू जी के लिए 14 जुलाई को 10 तारीख मुकर्रर की है। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह और उनके गवाह राम सिंह मौर्य व गनर सतीश सिंह की हत्या के मामले के में आईपीएस की धारा 120 के तहत अदालत में पेशी हुई। जिला जज के सामने गवाहों ने भी गवाही दर्ज कराई। जब मीडिया ने मुख्तार अंसारी से गवाहों को खरीदने व धमकाने के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि यह तो कोर्ट का मामला है। साथ ही मुख्तार अंसारी ने रमजान की बधाई देते हुए कहा कि इस पवित्र माह में उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गौरतलब है कि 29 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली के गाजीपुर तिराहे पर दिन दहाड़े जिले के एक लाश के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या कर दी गई थी। विधायक जी रमजान की बधाई दे दीजिए जम्मू की जनता को और आपके माध्यम से इस रमजान के मुबारक महीने में मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। दिल्ली और मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी की भी सुरक्षा के जो सामान्य व्यवस्था की जानी चाहिए।
शिव की नगरी काशी में साईं बाबा के भक्तों ने शांतिपूर्ण तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ साईं बाबा के भक्तों ने साईं बाबा की प्रतिमा को दूध के साथ गंगा में स्नान कराया और बनारस के राजेंद्र प्रसाद घाट पर प्रातः खुद भी सामूहिक स्नान किया। साईं भक्तों की माने तो शंकराचार्य जी को साईं बाबा के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। गौरतलब है कि शंकराचार्य ने साईं बाबा पर बयान दिया था कि साईं बाबा की पूजा करना गलत है। माउंट आबू अचानक सियासी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यहाँ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी एक साथ नजर आए। शरद पवार यहाँ अपनी निजी और गुप्त यात्रा पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी के गेस्ट हाउस ओरिया में जाकर ठहरे। पवार व अडानी बंद गाड़ियों में यहाँ करके शहर में आए, बिना ही बाईपास पिलग्रिम रोड होते सीधे ही देलवाड़ा भी पहुंच गए और वहां देलवाड़ा जैन मंदिर का भ्रमण भी किया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में देर रात 4 साल के बच्चे की हत्या कर उसे पैकेट में डालकर फेंक दिया गया। बच्चे का शव सड़क पर पड़ा मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रात में एक आम विक्रेता कन्हैया जब ठेला लेकर घर लौट रहा था, तभी उसने जवाहर नगर एक्सटेंशन में बिजली के खंभे के पास एक पैकेट देखा। पैकेट के पास कुछ कुत्ते मंडरा रहे थे। पास जाकर देखा तो उसमें से खून निकल रहा था। 4 साल के बच्चे का एक आटे की पॉलिथीन में शव मिला हुआ है, जिसके सर में थोड़ी सी चोट है। ये यहीं इसके पोल के नीचे पाया गया है और पुलिस लोकल पुलिस सब आ गई है। इसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मातम में बदल गई खुशी का माहौल। सगाई समारोह में हुई अंधाधुंध फायरिंग में बंदूक से निकली गोली ने 18 साल के एक युवक की जान ले ली। ये मामला आगरा के थाना ताजगंज के वहेटा गांव का है, जहां गीतम सिंह के पुत्र रमेश सिंह की सगाई का समारोह था। माहौल खुशी का था तो जोश में होश खोए कुछ लोग फायरिंग करने लगे और फायरिंग के दौरान सगाई समारोह को देख रहे युवक शुभम के शरीर में बंदूक से निकली गोली जा धंसी और शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। गोली जिस बंदूक से निकली वह गांव का ही रहने वाला रामू की है, जिस पर अनजाने में ही सही शुभम की हत्या का आरोप लग गया है। लगन टीके में गोली चली थी, ये वहां पर था, उससे मना करी थी वो दारू को नशे, मतलब गोली मन चला, सभी मोहल्ला वालों ने मना कर दिया था और वो माना नहीं। क्या नाम था? रामू। लगभग कितनी राउंड फायरिंग हुई? मतलब 5-6 फायरिंग भाई मार रही। यूपी के बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने शव का चेहरा इस कदर खराब कर दिया कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास से पर्स बरामद हुआ, जिससे उसका निर्वाचन कार्ड और पैन कार्ड मिला, जिससे पता चला है कि लड़का करममर गाँव का निवासी था। पुलिस का कहना है कि मृतक बलिया में किसी रिश्तेदार के मुलाकात करने आया था, लेकिन वह दोपहर थाना क्षेत्र में गया था और वहीं से लापता हो गया था। तो वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। एक अज्ञात युवक उम्र लगभग 26 साल की डेड बॉडी की सूचना जनता के व्यक्तियों द्वारा चौकी बिजदा घाट को दी गई थी। उसका वोटर आईडी कार्ड मिला उसके पर्स में। प्रेम शंकर शुक्ला निवासी ग्राम करमर थाना बांसडी, इसकी डेड बॉडी मिली है। मौका का निरीक्षण करने से ऐसा लगता है कि डेड बॉडी ला करके कहीं से डाली है। लंबे विवाद के बाद आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 2,70,000 छात्रों ने इस बार दाखिले के लिए आवेदन किया है। जिन छात्रों के कट ऑफ लिस्ट के अनुसार नंबर आए हैं, वो छात्र उनके चुने हुए कॉलेजों में 3 जुलाई तक दाखिला ले सकते हैं। गौरतलब है कि UGC और DU में 3 साल के कोर्स के विवाद के चलते दाखिले 1 हफ्ते की देरी से शुरू हुए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।